रूप से हमारा ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों को अच्छी इलाज नहीं हो पाती, जिसके कारण से रेफर कर दिया जाता है रांची या पटना। जो इतना महंगाई हो रहा है वो महंगाई पे भी थोड़ा कुछ कमी हो और वैसे सरकार को हम लोग चुनेंगे। झुमरी तिलैया का जो मार्केट है, बाजार है, वो बद से बदतर हो गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और हम देख सकते हैं आप कोडरमा में हैं, कोडरमा में लोगों के बीच में हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या होगा इस बार चुनाव में, कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव तो मज़ेदार होगी, देश की चुनाव है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आज हम लोगों को सोचने चाहिए। हर एक जागरूक, हर एक हिंदुस्तानी को अपनी सूझ और बूझ और पक्का ईमानदारी के साथ चुनाव करना चाहिए। आज चुनाव जो समस्या है, जो मुख्य समस्या अगर कहा जाए, रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का और स्वास्थ्य का लेकर है। आज आप देख रहे होंगे कि झुमरी तिलैया कोरोना लोकसभा में यहाँ से लोग अगर किसी तरह के भयंकर बीमारी हो जाती है या किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वो आनन फानन में यहाँ जो कोडरमा सदर अस्पताल है इसमें हम जाते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों को अच्छी इलाज नहीं हो पाती, जिसके कारण से रेफर कर दिया जाता है रांची या पटना। और रांची या पटना जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही पेशेंट हमारा दम तोड़ देता है। तो मैं इस कोडरमा लोकसभा के सारे जो भी उम्मीदवार आएंगे उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस कोडरमा लोकसभा में एक अच्छी अस्पताल का निर्माण हो, जिससे जो हम आज डिपेंड हैं रांची और पटना पर वो डिपेंड न रहकर इस मेडिकल जो कॉलेज कोडरमा में बन रहा है अविलंब ही इसको चालू कराना चाहिए। इसके पूर्व यहाँ एक पहले अस्पताल चल रहा था जिससे यहाँ के इर्द गिर्द लोगों जो अपनी इलाज करवा रहे थे बहुत ही सुविधाजनक था, लेकिन उस अस्पताल को भी आज बंद करा दिया गया है। और रोज़गार के बारे में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ढिबरा के क्रेशर का जो भी रोजगार था वो भी बंद पड़े कगार पर आ गए हैं। आए लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और आज इस ज़िले से पूरे झारखंड से कहा जाए तो दूसरे स्टेट में जाने को विवश हैं, पलायन हैं। आज अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने नन्हे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं दूसरे राज्यों में अपने रोजगार ढूंढने के लिए आगे जा रहे हैं। ये बहुत ही हमारी मैंने गहन समस्या है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षा का भी वही हाल है। हम आज इस क्षेत्र में जो देख रहे हैं विकास नाम का, तो वो चीज़ तो आज जनता के नज़र कहीं आ नहीं रहा है। हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए और साथ साथ मान सम्मान चाहिए। यही हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान में हमें जो आज़ादी मिली है वो आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए, न कि राजतंत्र लोकतंत्र होते हुए किसी का राजतंत्र में चला जाए। ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र और लोकतंत्र का मैं सम्मान करता हूँ और हर एक बुद्धिजीवियों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अपनी सूझ बूझ और एकदम परम कर्तव्य ईमानदारी के साथ 2024 का चुनाव में अपनी मतदान को करना चाहिए ताकि राष्ट्र का निर्माण हो और सारे लोगों का विकास हो। कुछ और वोटर हैं, जनता है, उनसे बात करते हैं, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? हमारे कोडरमा संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो कि सबों को दिख रही है और ख़ास करके झुमरी तिलैया का जो मार्केट है, बाज़ार है, वो बद से बदतर हो गया है। बदतर होने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का रोज़गार, जो यहाँ का मूल रोज़गार है, जिससे कि झुमरी तिलैया कोडरमा ज़िला जाना जाता था, वो था मायका क्षेत्र से। और मायका के ऊपर में न सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ध्यान है, मेन तो अभी हम लोग सेंट्रल की ही बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कान में तेल दे करके सोया हुआ है। उसके ऊपर अब क्या बोला जाए, अच्छी बात नहीं है। रोज़गार ज़रूरी है, रोज़गार मिलना चाहिए सबों को, रोज़गार की आवश्यकता है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर जितने भी अगल बगल गाँव के हैं बच्चे लोग, मतलब कि जो एडल्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब हैं, सो बाहर पलायन कर रहे हैं। डेली आप आइए, यहाँ पर स्टेशन है बगल में, देखिए तो गाड़ी भर जा रहा है, जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए कि घर गृहस्थी कैसे चलेगा उसके लिए। अगर ये बोल बच्चे लोग यहीं पर काम करें, उन लोग को रोज़गार मिल जाए, मायका नहीं तो कोई दूसरा चीज़, तो ये इलाका हमारा। कैसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं आप? जो जनता के बीच का हो, जो जनता के साथ चले, जो जनता की बात को सुने,
और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे लोगों को चुनाव में चाहते हैं आप? जो रोज़गार दे, और जो इतना महंगाई हो रहा है वो महंगाई पे भी थोड़ा कुछ कमी हो, और ऐसे सरकार को हम लोग चुनेंगे। ये थे कोडरमा के वोटर, और इनका साफ कहना था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, यही मुद्दा है लोगों का, और इसी मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। कोडरमा से कुमार अमित की रिपोर्ट।